पहला सवाल ये कि हर किसी को अपने शो में सलमान खान का इंतजार होता है, तो वो एक आपसे जानना चाहूंगा कि तो क्या पहले जवाब दूं हाँ जी बिल्कुल क्योंकि वो बैक कर ठीक है. तो ये जब शो मैंने शुरू किया, सी लाइक आई सेड वन स्मॉल थिंग दैट यू सेड कि ट्रोलिंग होती है, नेगेटिविटी होती है, ये होती है, वो होती है, हर चीज़ आप करते हो. तो मेरा भाई इज अ सुपर स्टार, आई लव हिम, ही हैज़ डन अ लॉट फॉर मी, माई फैमिली, एवरीबडी, एंड वी ऑल्सो ट्राई टू डू थिंग्स ऑन आवर ओन. मैंने एज एन इंडिविजुअल 65 के ऊपर फिल्में की हैं, ठीक है. आई हैव डन, करता रहता हूँ मैं, जो भी है, अच्छा बुरा ऊपर नीचे जो भी है, लोग जानते हैं मेरे को. आई वर्क हार्ड, आई कीप डूइंग थिंग्स. आई सो ऑल्सो देर आर टाइम्स वेर यू वॉन्ट टू डू थिंग्स, वैन यू वॉन्ट टू प्रूव थिंग्स दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन. मेरे खुद की एक अभी स्टैंडिंग है, मेरे खुद की अभी एक रिलेशनशिप है. अब मेरा भाई है, अब मैं हर बार उसके पास जाऊँ कि यार देखो ये शो में शुरू कर रहा हूँ, तुम इसको या तो एंड करो या इसका फर्स्ट एपिसोड करो. कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार मैंने ये किया है और मैंने कुछ 3-4 एपिसोड शूट करके उनको दिखाया, तो उसने मुझे, सलमान ने मुझे कि व्हाई डोंट यू हैव मी ऑन दिस शो. आई सेड सलमान आई वुड लव टू हैव यू ऑन दिस शो, बट इफ आई डू द सेकेंड सीजन लेट मी डू दिस वन सीजन विदाउट यू. एंड दैट वॉज माई जस्ट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि यार ये करते ना यार, देखते दो, अगर सलमान नहीं करता तो कितने और लोग करते हैं, कैसे करते हैं. तो वो एक मेरा खुद का एक पर्सनल सिनेरियो था, एंड ही इज प्राउड ऑफ मी, एंड ही सेज आई विल डू योर नेक्स्ट सीजन इफ यू डू इट, मैं आऊँगा उस शो के ऊपर. तो अगर होता है, अगर आप लोगों को पसंद आया है, लोगों को भी पसंद आया है, एंड ये इंशाल्लाह चले, जैसे कि कुछ ऐसे शोज है जो 2 सीजन 3 सीजन 5 सीजन चलते हैं, तो अगर हमारे पास टाइम है, लोग हैं करने के लिए, अच्छे टॉपिक से करने के लिए, हम करेंगे, एंड देन वी विल गेट भाई ऑन द शो. दूसरा सवाल ये कि आपके डैडी जब भी इस तरह के शो में आते हैं, बहुत सारा खुलासा करते हैं, हमने पिछला मेरे को एक्सपोज कर दिया उन्होंने, तो सलमान को एक्सपोज कर दिया उन्होंने, उन्हें भी उनका काम ही है आके बेटों को, बट आई लव हिम, ही इज अमेजिंग. कोशिश करेंगे कि वो भी आए कुछ इस तरह, वो भी आए. यस व्हाई नॉट, आई मीन टू से ही इज वेरी वोकल. और अभी क्या होता है ना, एक स्टेज के बाद एक आदमी जेन्युइनली फियरलेस हो जाता है, क्योंकि आपको ना करियर का पड़ा है, ना आपको इस चीज का पड़ा है, ना उसको पड़ा है. आदमी क्या होता है कि प्रिकॉशन कब लेता है, जब ही हैज लॉट्स टू लूज. माई फादर टूडे ऑनेस्टली ही कैन टॉक अबाउट एनी थिंग एंड ही रियली वुडंट गिव अ डैम, क्योंकि उनको अभी क्या, उन्होंने अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जी ली है और सब कुछ है. ही वॉन्ट्स टू एटलीस्ट से द थिंग्स दैट ही वॉन्ट्स टू से. अब क्या डर, तो वो जब कहेंगे कोई चीज़ वो फियरलेसली कहेंगे. तो हैविंग हिम ऑन द शो, वो ही कैन से एनी थिंग ऑन एनी टॉपिक, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में हो या कोई रिलीजन के बारे में हो या कुछ हो, वो अपना व्यू देंगे. एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज वॉट वी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. सी वी आस्क फॉर ओपिनियंस एवरी टाइम, आपको क्या लगता है, फिर हम रिस्पेक्ट नहीं करते ओपिनियन को. किसी का ओपिनियन है, आज ऑपोजिशन भी तो होता है ना, आज एक पार्टी, क्यों इतने सारे पार्टीज हैं, क्यों इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपको पसंद करता है, नहीं करता है.